हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है ऑडिट के ऊपर। होप सो गाइस आपने लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू देखा है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल पे लेक्चर नंबर वन और लेक्चर नंबर टू एक बार देख के आओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हमने बेस पढ़ा था ऑडिट का और अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लेक्चर्स को। ठीक है गाइस, तो चैप्टर नंबर वन में हमारे कुछ पोर्शन बच गए थे, वो हम पहले आज कवर कर लेते हैं। अच्छा गाइस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट पढ़ाया था। अभी एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को आप लोग पढ़ लीजिए तो आपको एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट जो है वो याद हो जाएगा, और फिर बाद में आप दो तीन बार जब रिवाइज कर लेंगे तो बिना ट्रिक के भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, कॉरपोरेट में अकाउंटिंग और आईसी सिस्टम का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का वेरीफिकेशन करें, ताकि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का कंपेरिजन कर पाएँ और एसेट्स और लाइबिलिटी से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाएँ, फिर अप्रोप्रिएट बॉडी को बता दें। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक होगी, मेमोरी ट्रिक, जिसमें देखो अकाउंटिंग फर्स्ट क्या बोलते हैं स्पेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड आपका सिस्टम चेक करते हैं, थर्ड वाला आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने वाला था, फोर्थ वन इज़ योर वेरीफिकेशन, एंड द फिफ्थ वन इज़ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ आपका कंपेरिजन था, सेवन्थ आपका था एसेट, एंड एट्थ आपका लाइबिलिटी था, नाइन्थ आपका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना था, टेंथ आपका कॉरपोरेट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती वो था, और इलेवेंथ आपका कम्युनिकेशन टू द एप्रोप्रिएट बॉडी था। तो ये आपके पूरे पॉइंट्स 11 पॉइंट्स आपको स्ट्रिक्ट से याद हो जाएंगे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा क्या कुछ थोड़ा सा ही पोर्शन बचा था चैप्टर नंबर वन का। देखो, एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट, आगे हमको इस वीडियो में ये पढ़ना है, एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। ये देखो, तो इसमें देखते हैं हम क्या है। देखो, लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड सो फार एक्सटेंड ओनली टू कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्सेट्रा। इन दिस केस द रिस्पेक्टिव लॉ गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द ड्यूटीज, इन ऑल अदर केसेस इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, लीगल रिक्वायरमेंट जो है ऑडिट कराने की, जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ किसको दी गई है, कंपनी को लीगली है, और जो आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती है उनको ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन बाकी सारे केसेस में, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉलेंट्री ऑडिट केस, तो वॉलेंट्री ऑडिट के केस में क्या होता है, हमको ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस लीगल रिक्वायरमेंट के पता नहीं है। अब क्योंकि हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, तो हमको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में ऑडिटर के साथ ऑडिट कराना पड़ता है, हमको कंपलसरी नहीं है, हम अपने ऑप्शन के बेसिस में हम वॉलेंट्री, अब हमारा मन है तो हम ऑडिट करवा रहे हैं, ऐसा वाला सीन रहता है वहाँ पर। तो उस केस में देखिए हमको क्या बोल रहा है, इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट For both the auditor and client that each party should be clear about the nature of the engagement. तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, अब लॉ में जो चीज़ लिखी है वो तो कंपलसरी फॉलो करनी है। लॉ में आपकी रिक्वायरमेंट लिखी है ऑडिट को लेके, जो जो भी रिक्वायरमेंट लिखी है, जो 148 कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो वो तो लॉ में क्लियर कट डिफाइन है। सारे ऑडिटर 10 ऑडिटर है, 10 कंपनी है, सबके लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक्स अबाउट वॉलेंट्री ऑडिट, वी हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कोप ऑफ ऑडिट, है ना। तो स्कोप ऑफ ऑडिट, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना, क्या क्या हमारे एक्ट रहेंगे, वो सारी चीज़ों को क्लियर कट हमको डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन हो, बाद में कोई विवाद ना हो, क्योंकि अगर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये वॉलेंट्री ऑडिट है। तो इसमें दोनों को पता होना चाहिए। इट मस्ट बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड शुड एक्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वर्क। देखो, बोल रहा है ये राइटिंग में हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें क्लियर कट स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ होना चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। कोई भी मतलब कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, वेग से वर्ड का यूज ना हो, अनएम्बिगियस चीज़ें हो, ठीक है। द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख लो, इसलिए मैंने ब्लू से हाइड लिखी है भाई। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट, ऑडिटर भेजता है, ऑडिटर क्लाइंट को भेजता है, ये आपका क्लाइंट है, ये कंपनी है, तो ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेजता है। ये देखो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, ठीक है, आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। DICE has issued SA 210 agreeing the terms of audit engagement on this subject. ICA ने SA 210 agreeing the terms of audit engagement is
बिहाफ में बनाया है, जिसमें वो बोलता है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर सो डैट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसे ये सजेस्ट करता है इस ऐसे के अंदर, और तरीका बताता है कि वो रिटर्न में एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, बाद में कोई भी लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें ना हो, पहले से हमारे पास राइटिंग में सारी चीज़ें हों। अब देखो इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस में बोल रहा है अ फ्यू मोर प्रिकॉशंस आर नीडेड, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज नॉर्मली गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप डीड। बोल रहा है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। द अकाउंट व्हेन ही इज अप्रोच फॉर अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल असाइनमेंट बाय अ फर्म और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म शुड फर्स्ट गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ द नेचर ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड एंड दैट इंश्योर विद रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज अपॉइंटमेंट इज वैलिड। देखो ऑडिटर जाने के पहले देख लेगा, पार्टनरशिप डीड में पढ़ लेगा कि क्यों रिक्वायरमेंट है ऑडिटर की, यहाँ पर ऑडिटर में ऑब्जेक्टिव क्या है, इन लोग मेरे को क्यों हायर किए हैं, ठीक है। और वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म पहले क्लियर करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंट्स ऑडिट क्यों कराना चाहते हैं, क्लियर कट। और जो ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से स्कोप डिसाइड करेंगे ऑडिट का, और उसी के हिसाब से ऑडिट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्कोप होता है ऑडिट का, तो उतने ही स्कोप लोग रखेंगे। तो ये तो पार्टनरशिप डीड में लिख लिया जाएगा, ठीक है। द एग्री टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये देखो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करना है हमको, और अदर सब सुटेबल फॉर्म इन रिटर्न एग्रीमेंट शैल इंक्लूड। उसके अंदर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आपको लिखना क्या है, ठीक है, इसको याद करना है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट रहेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑडिट करना क्यों है, स्कोप कितना करना है, किस एक्सटेंट तक स्कोप है, तो वो चीज़ रहेगी पहला। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ऑडिटर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजमेंट की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल FRF फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एप्लीकेबल FRF को आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया गया। व्हाट इज FRF, हमने पढ़ चुका है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे केस में, ठीक है। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर इन अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस विच रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम हिज एक्सपेक्टेड। एक रेफरेंस देगा ऑडिटर, एक आइडिया देगा, एक ग्रॉस आइडिया कि मैं जो रिपोर्ट इशू करने वाला हूँ वो रिपोर्ट का फॉर्म कैसा रहेगा, वो रिपोर्ट का कंटेंट कैसा रहेगा, ये ऑडिटर पहले से बता देगा। प्लस उसके साथ में एक और वो डिक्लेरेशन दे देगा यहाँ पर कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कि जो मैंने फॉर्म एंड कंटेंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बताया है ऑडिट रिपोर्ट का, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। देखो जैसे ऑडिटर यहाँ पर दे दिया डिक्लेरेशन फॉर्म को कि यहाँ पर ये देखो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट देने वाला हूँ वो इस फॉर्म में रहेगी, ठीक है, पर वो एक डिक्लेरेशन भी देगा साथ में कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसका फॉर्मेट जो मैंने बताया है, जो कंटेंट बताया है, वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो इतनी चीज़ जो है वो आपकी इसके अंदर रहेगी। अब आगे देखो क्या लिखा है, इफ़ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशेंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड दम इन राइटिंग एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाइज एंड दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अगर कोई ऐसा केस है कहीं ऐसी जगह ऑडिट करने गए हैं जहाँ पर लॉ ही खुद ऑडिट करने बोलता है और लॉ खुद ही ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें बता दिया है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही वहाँ पर, तो ऑडिटर को वहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाएगा, ठीक है, ऑडिटर को जरूरत ही नहीं है बनाने क्योंकि लॉ ही बता दिया है, ठीक है। लेकिन बस बात यहाँ पर यह है कि वो एप्लीकेबल होना चाहिए। पार्टनरशिप बोल रही है कि कंपनी वाला रूल्स में लगाऊंगी, नहीं भाई ये तो एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात एप्लीकेबल होनी चाहिए, दूसरी बात मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझती है, ठीक है, ये भी चीज़ ऑडिटर को देखनी कि मैनेजमेंट हाँ खुद ही एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ हमारे पास तो ये ऑलरेडी है ऑडिट एंगेजमेंट, लॉ ही हमको ये बोलता है करने के लिए, तो वो चीज़ मैनेजमेंट को समझनी थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका केस हो गया किसका, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का। नाउ कमिंग टू द पॉइंट रेकरिंग ऑडिट, रेकरिंग मतलब बार बार हर साल ऑडिट करना, जब तक कूलिंग पीरियड नहीं आ जाए हर साल वही सेम कंपनी में ऑडिट करना, तो दैट इज रेकरिंग ऑडिट। तो रेकरिंग ऑडिट के केस में मेरा स्टार्ट करने के पहले इस टॉपिक को क्वेश्चन ये है कि हर साल ऑडिट हो रहा है तो हर साल क्या नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा, हर साल सेम ही ऑडिटर है, ऑडिटर ए है पाँच साल तक एक्स वाई जेड कंपनी में ऑडिट कर रहा है, ए ऑडिटर पाँच साल तक एक्स वाई जेड कंपनी में ऑडिट, तो क्या वो हर पाँचों साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया होगा, या ए लिमिटेड फॉर्म ही है दस साल तक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बार बार दी होगी क्या हर साल, तो वो चीज़ ये मेरा क्वेश्चन है। अब आगे इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑन रेकरिंग ऑडिट्स द ऑडिटर शेल एक्सेस वेदर सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रीइश्यूड। ऑडिट रेकरिंग ऑडिट में ऑडिटर पहले ढूंढेगा वो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि क्या ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, एंड वेदर देयर इज़ अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और
क्या एंटिटी को याद दिलाने की जरूरत है? वो वादे जो हमने पहले दिन किए थे, वो वादे जो हमने पहले दिन किए थे, वो क्या एंटिटी को अब याद दिलाने की जरूरत है? क्या एंटिटी भूल रहा है? ठीक है, तो वो ऑडिटर पहले चेक करेगा। द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर रिटर्न एग्रीमेंट ईच पीरियड। ऑडिटर के ऊपर है कि ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि वो बार बार ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजे। ठीक है, हर साल बार बार नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजे। हाउएवर द फॉलोइंग फैक्ट्स मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स। लेकिन ये जो फैक्ट्स आपको नीचे दिए हुए हैं वो ये चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा ऑडिट एंगेजमेंट को और टू रिमाइंड द एंटिटी द एग्जिस्टिंग टर्म, और एंटिटी को रिमाइंड कराना पड़ेगा अभी का टर्म, अभी वाला टर्म या तो उसको फिर से दिखाना पड़ेगा या तो कोई रिविजन करना पड़ेगा। और वो कौन से सर्कमस्टेंसेज है? तो वो सर्कमस्टेंसेज ये है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट को लेके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या तो एंटिटी या ऑडिटर की तरफ से कि किसी ऑब्जेक्टिव या किसी स्कोप को उन्होंने गलत अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर उसे भेजना पड़ेगा फिर से। रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिट टर्म्स जो थे, जो जिस टर्म्स में हमने ऑडिट लिए रखा था कि आपको ये काम करना है उसे हमको रिवाइज करना है, उसी में अगर हमको कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक करानी है तो फिर। अ रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे थे आने वाले 10 साल तक जिसके लिए हम ऑडिट करने वाले हैं उस कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो गए तो उनको फिर से दिखाना पड़ेगा ऑडिट एंगेजमेंट में प्रीवियस जो ओनर्स थे उन्होंने क्या लिखवाया था। थर्ड, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, ओनरशिप भी चेंज हो गई, मालिक ही चेंज हो गया, मालिक। ठीक है, यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, मालिक चेंज हो गया, मतलब दोनों भी केस में। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर साइज ऑफ द एंटिटी बिजनेस, एंटिटी बिजनेस का नेचर और साइज चेंज हो गया। देखो ये सिंपल सा रीजन है भाई, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कोई पार्टनरशिप थी, अब वो पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए। ठीक है, लॉ उसमें अलग प्रोविजंस लगाने बोलता है, कंपनी के लिए कंपलसरी ऑडिट कराना, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती, या तो छोटी कंपनी थी बड़ी हो गई, लार्ज स्केल में 2-3-4 ब्रांच डाल दिए, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए हमको रिवाइज करना पड़ेगा। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट में कोई बड़ा चेंजेस आ गए, पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी कर दिया ऑडिट, या ऐसा कुछ हो गया, मतलब कोई लीगल लॉ से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, तो ऑडिट एंगेजमेंट भी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कारों की रिपोर्टिंग आई थी, तो कारों की रिपोर्टिंग आई होगी ना, तो उस टाइम पे जो भी कंपनी उसके पहले काम कर रही होगी उन्होंने कारों ऐड किया होगा ऑडिट एंगेजमेंट में बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, अ चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही चेंजेस आ गए, ये तो लॉ से रिलेटेड हो गया ना, वैसे प्रोनाउंसमेंट होती है वो तो ICAI की तरफ से, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही चेंजेस आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बदल गए, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा अडॉप्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस है तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हर साल सेम रखो, बार बार भेजने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक इलस्ट्रेशन दिया है, RN company a firm of chartered accountant have not revised the term of engagement and obtained confirmation from the client for the 5 years despite changes in business and professional environment। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि बताओ इस circumstances में क्या elucidate the circumstances that may warrant the revision in the terms of audit engagement। तो बोल रहा है ऐसी circumstances बताओ जो आपको बोलेगी कि भाई revision करो, revision करो, revision करो, तो आपको क्या बताना है? अब आपको पता है आपको क्या बताना है, ऊपर जो terms थे वही सारी चीज़ें आपको इस answer में लिखनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंट, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले स्कोप में कोई लिमिटेशन लगा दी गई। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, देखो एनालिसिस क्या दिए, इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इम्पोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप सच डेट ऑडिटर बिलीव लिमिटेशन वुड रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। मान लो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले कोई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी मालिकाना हक वाले लोग और मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट के लोग ऑडिट के स्कोप में कोई लिमिटेशन लगा रहे हैं, ऑडिट के स्कोप में उसको स्कोप को कम कर रहे हैं, और ऑडिटर को ऐसा फील हो रहा है कि इस स्कोप को कम करने के वजह से, या ऑडिटर को पता है कि इस स्कोप को कम करने के कारण ऑडिट जो है ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा उसमें उसको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, उसको डिस्क्लेमर करना पड़ेगा क्योंकि उसको बचे ही नहीं कुछ ऑडिट करने के, उसको उसकी स्कोप को कम कर दिया गया तो ऑडिटर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसको लग रहा है कि उसको डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा, डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। तो ऑडिटर भाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से राइट फ्रॉम द स्क्रैच उसको पता है ऐसा उसको करना पड़ेगा, वो इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधी सीधी बात वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर कोई लिमिटेशन है तो। देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, मान लो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए, देखो ये देखो मान लो ऑडिटर इस यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया है, यहाँ तक उसको ऑडिट करना है, तो यहाँ किसी साल के बीच में
रिवीजन करने के लिए बोल रहे हैं ऑडिट इंगेजमेंट में, कोई मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोल रहे हैं इंगेजमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर क्या करेगा, ये केस है। अब उसमें करेगा क्या आगे, ये देखो यहाँ पढ़ते हैं, एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। बोल रहा है कि ऑडिटर उसे कंसिडर करेगा, क्या बोल रहे हैं, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब उन लोग चाह रहे रिविजन हो जाए और पहले जो अश्योरेंस देनी थी उससे अब कमी अश्योरेंस थी, मतलब कम काम करने के लिए बोल रहा है, पहले ज़्यादा काम करने बोला था अब कम काम करने बोला है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस बोल रहे हैं। तो वो तभी उस चीज़ को रिवाइज करेगा जब उसे वो चीज़ अप्रोप्रिएट लगेगा, और उसे वो अप्रोप्रिएट कब लगेगा वो देखो, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट मे रिजल्ट फ्रॉम, और कब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रिविजन के लिए कब करेगा, वो ये केसेस दिए हैं। पहले मैं एक चीज़ आपको पढ़ाना चाहूँगा, ये देखो, जब ऑडिटर को लगेगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ठीक है रिवीजन के लिए, तभी ऑडिटर रिवीजन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वही ऑडिट वो छोड़ सकता है अगर उसको प्रेशर बनाया जाए, या फिर वो मना कर देगा मैनेजमेंट मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो ऑडिट छोड़ देगा। तो उसको रीजनेबल जस्टिफिकेशन चाहिए। अब देखो किन केसेस में ऐसा हो सकता है, तो देखो यहाँ पर पहला केस नंबर वन, चेंज सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। देखो वो सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गई, जो उनको जिस काम के लिए ऑडिट करा रहे थे वो सर्कमस्टेंसेस अब रही ही नहीं या चेंज हो गई, ठीक है, तो अब उनको सर्विस की उस पर्टिकुलर सर्विस की जरूरत नहीं है। दूसरा, अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट और रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। हो सकता है कि मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कुछ और चीज़ कहना चाह रहे हो, ऑडिटर से कोई और नीड बताना चाह रहे हो, कोई और ऑब्जेक्टिव, और ऑडिटर कोई और चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया, ऑडिटर क्या अपने आपको समझ रहा था होशियार, और वो हाँ समझ गया आपको क्या चाहिए हमसे, ठीक है, ऐसा बोल के वो ऑडिट का काम चालू कर दिया, वो ऑडिट एंगेजमेंट बना दिया, पर बाद में पता चल रहा है मैनेजमेंट बोली थी नहीं हमने ऐसा तो बोला ही नहीं था आपको, आप गलत समझ गए हो, तो गलत समझ गए आप उसको सही कर दो, ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरा, अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और कॉज बाय सर्कमस्टेंसेस। भाई अब जो जैसे मान लो इतना पूरा हमको ऑडिट करना था, पूरी कारों की रिपोर्टिंग सब करनी थी, सब कुछ करना था, लेकिन अचानक से मैनेजमेंट चाह रही है कि आप कारों की रिपोर्टिंग मत करो, मैनेजमेंट खुद ही चाह रही है कि वो लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, उसे ऑडिटर का काम पसंद नहीं आ रहा है, ऑडिटर बहुत कैजुअल अप्रोच ले रहा है, ICYC चेक नहीं कर रहा, उन्हें नहीं पसंद आ रहा, वो चाह रहे हैं कि कारों की रिपोर्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है हम किसी और को रख ले ऑडिटर उसकी जगह, ठीक है। या दूसरा चीज़, ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो गई, सर्कमस्टेंसेस मतलब लॉ बोल दिया कि चलो अब कारों की रिपोर्टिंग इतनी कंपनियां मत करना, कुछ स्लैब लगा दिया कि 50 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी कारों की रिपोर्टिंग करो, उससे कम वाली मत करो, और हम पहले तो कंपलसरी था सबके लिए, तो अब हमारी कंपनी उस स्लैब में नहीं आ रही, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एग्जांपल है, तो लॉ में ही चेंज आ गया, तो उस टाइम पे तो लिमिटेशन करनी पड़ी ऑडिट में, तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस चाहे वो मैनेजमेंट इंपोज करे चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस के थ्रू है, इस सर्कमस्टेंसेस में भी ऑडिट एंगेजमेंट में रिवीजन किया जा सकता है बीच में। तो अब द ऑडिटर विल कंसिडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट स्पेशली एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन। ऑडिटर सारी चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करेगा, चेक करेगा, रिक्वेस्ट को देखेगा कि क्या वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, उसके बाद अगर ऑडिटर को लगा कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है टू चेंज द एंगेजमेंट एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म कंप्लाइड विद एसए एप्लीकेबल टू द चेंज एंगेजमेंट द रिपोर्ट इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन द रिपोर्ट वुड नॉट। देखो सिंपल सी बात है, उसके बाद अगर ऑडिटर को लगा कि हाँ स्कोप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऑडिट रिपोर्ट में भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रिवीजन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो रहा है इस रिवीजन से, तो ऑडिटर उसे कंसीडर कर लेगा। सबसे बड़ी बात यह है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑडिटर को मिलनी चाहिए, तभी वो उस चीज़ को कंसीडर करेगा। पर ऑडिटर अब ऑडिट रिपोर्ट में अगर वो कंसीडर कर लिया, मान लो वो कंसीडर कर लिया, वो रिवीजन कर दिया, तो अब ऑडिटर नई रिपोर्ट में ओरिजिनल एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखेगा, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, बोलेगा ओरिजिनल एंगेजमेंट ये था पर मैंने साल में रिवीजन करके ये बनाया, तो भाई ऐसा कर ही क्यों रहे हो, कन्फ्यूजन, इसको हटाओ ना, इसको गैप कर दो, सिर्फ ये रखो, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, एनी प्रोसीजर डैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल एंगेजमेंट, और ओरिजिनल एंगेजमेंट में कुछ कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था जिसकी अब जरूरत नहीं है, तो आप उसको हटा दो, मत डालो, हटा दो, ये ओरिजिनल वाले को गैप कर दो, अब ये नया बन गया, तो इन नए वाले को बस दिखाना, ठीक है, तो ये चीज़ वो नहीं रखेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑडिटर should not agree to change of engagement when there is no reasonable justification. अगर reasonable justification नहीं है तो auditor नहीं accept करेगा इन चीज़ों को। If the terms of audit engagement are changed, the auditor and the management shall agree on and record the new terms of engagement in engagement letter on the other suitable form in the written agreement. बोल रहा है जब audit engagement के terms
रिवाइज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों नया रिटर्न डॉक्यूमेंट, नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे और उसमें न्यू टर्म्स को नोट डाउन करके रख लेंगे, न्यू टर्म्स को रिटर्न फॉर्म में रख लेंगे। और इफ़ द ऑडिटर अनेबल टू एग्री टू द चेंज ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड इज नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शैल, बोल रहा है अगर ऑडिटर नहीं कंसिडर कर पा रहा है, अगर उसको रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही, वो मना कर दिया, वो बोला मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मना कर दिया, और अब मैनेजमेंट चाह रही है कि ऑडिटर आप कंटिन्यू मत करो, ठीक है, अब मैनेजमेंट चाह रही है अब आप छोड़ दो प्लीज़, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर सकते, छोड़ दो, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, विड्रॉ करेगा ऑडिट एंगेजमेंट से, लेकिन चेक करेगा कि क्या पॉसिबल है लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि साल के बीच में छोड़ के ज़्यादा जा सकते हैं, तो कैजुअल वैकेंसी होती है, ठीक है, आपने एक लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ऑडिट में पढ़ने वाले, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, तो ऑडिटर बीच में छोड़ के जा सकता है। दूसरा चीज, डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टेंस टू अदर पार्टीज सच एज दोस्ट चार्ज गवर्नेंस और अदर रेगुलेटर्स, बोल रहा है, और एक और चीज चेक करेगा कि क्या लॉ या एंगेजमेंट में जो हम लोग एग्रीमेंट किए थे ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल मेरी कोई कर्तव्य है जिसमें मुझे इस सर्कमस्टेंसेस को या तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को या तो किसी ओनर को या रेगुलेटर को या मेंबर्स को, इन लोगों को कोई नोटिस देना है क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ दिस रीज़न से, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन देना है क्या, अगर हाँ तो एक्सप्लेनेशन वो देगा रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। तो ये केसेस थे। नाउ एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, देखो बोल रहा है, मेसर्स सुरेश चंद्रा एंड कंपनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ SC लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014-15। सी ए सुरेश वन ऑफ द पार्टनर ऑफ मेसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी कंप्लीटेड एंटायर रूटीन ऑडिट वर्क 29 May 2015। अनफॉर्चुनेटली ऑन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वाइल रोविंग टूवर्ड्स ऑफिस ऑफ SC लिमिटेड टू साइन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ही मेट विद अ रोड एक्सीडेंट एंड डाइड। सी ए चंद्रा अनदर पार्टनर ऑफ मेसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी देयर फॉर साइंड द अकाउंट्स ऑफ SC लिमिटेड विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय सी ए सुरेश। देखो सिंपल सा केस है, मैं पहले आपको केस एक्सप्लेन करता हूँ। मेसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी ने SC लिमिटेड को अपॉइंट किया ऑडिट के लिए, SC लिमिटेड से CA सुरेश गए ऑडिट करने के लिए और सारे अकाउंट्स वगैरह बना लिए, लेकिन एक दिन वो ऑफिस जा रहे थे जिस दिन वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाले थे, सब कुछ बन चुका है, उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी उसमें डेथ हो गई, तो SC लिमिटेड से दूसरे CA जो CA चंद्रा थे वो गए और ऑडिट रिपोर्ट को बिना रिव्यू के विदाउट रिव्यूइंग कर दिए साइन, ठीक है, ये हमारा साइन हो गया और ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट कंपाइल हो गई। तो क्या बोल रहे हैं, क्या ये सर्कमस्टेंसेस सही थे, तो देखो मेरा सिंपल सा बात ये है, इस केस को आप पढ़ लेना, पर मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ क्या बोलते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और गाइडलाइंस, भाई उनको एक बार रिव्यू कर लेना था जो प्रीवियस जो हमारे CA हैं, जो CA आपके सुरेश थे, CA सुरेश के वर्क को उन्हें एक बार रिव्यू कर लेना था, CA चंद्रा को, उसके बाद साइन करना चाहिए था, लेकिन अगर वो फिर भी साइन कर दिए तो अपने रिस्क पे साइन किए, यहाँ कंक्लूजन में लिखा होगा, इन द गिवन केस ऑल द ऑडिटिंग प्रोसीजर बिफोर द मोमेंट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय CA सुरेश, हाँ हमको पता है, हाउएवर द रिपोर्ट कुड नॉट बी साइंड बाय हिम ड्यू टू अनफॉर्चुनेट डेट, हाँ, तो लेटर ऑन CA चंद्रा साइन द रिपोर्ट रिलाइंग ऑन द वर्क परफॉर्म बाय CA सुरेश, हाँ CA चंद्रा ने साइन कर दिया कि CA सुरेश पे भरोसा करके, हियर CA चंद्रा इज अलाउड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट थ्रू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, तो CA चंद्रा ने जो साइन किया है वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो होंगे ही होंगे क्योंकि उन्होंने साइन किया है, ही मे रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय CA सुरेश प्रोवाइडेड ही फर्दर एक्सरसाइज एडिक्वेट स्किल्स एंड ड्यू केयर रिव्यू द वर्क, वो रिलाई कर सकते थे वर्क में, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि उन्हें फर्दर अपनी एडिक्वेट स्किल्स और ड्यू केयर का यूज़ करते हुए एक बार वर्क को रिव्यू कर लेना चाहिए था, ठीक है, पर वो साइन कर दिए तो वो उनका मैटर था, वो हमारा कुछ कहना नहीं है, तो ये कंक्लूजन था, पर यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा केस दिया वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये केस आपको ऐसे के अकॉर्डिंग दिया होगा, ऐसे 200 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया होगा। इससे आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है, टेस्ट योर नॉलेज और बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन बनेंगे प्रोवाइडिंग कि आप लोग रट लिए होंगे, ठीक है, जो 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 क्वेश्चन मैंने उनको बोले थे वो आपने याद कर लिए होंगे समझने के बाद अच्छे से, तो आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ मैं एक टॉपिक अब आपको कराना चाहूँगा, ऑडिट रिस्क, अब बोलेंगे अब डायरेक्ट जंप कैसे कर दिए चैप्टर नंबर 2, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी है, हाँ, बट मैं ऑडिट रिस्क आपको कराना चाहूँगा पहले, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई चीज़ें चैप्टर 2 में वर्ड यूज़ करने, और मैंने जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो उसी चैप्टर में था, तो मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे, पर ये सारी चीज़ें आगे करते करते 2 चैप्टर के बाद है,
तो इसलिए आप भूल जाएंगे, उससे अच्छा मैं आपको पहले ऑडिट रिस्क पढ़ाना चाहूँगा। और अगेन दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट रिस्क। तो देखते हैं ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क डेट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। दस इट इज द रिस्क दैट ऑडिटर मे फेल्स टू एक्सप्रेस एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन इन द। देखो बोल रहे ऑडिट रिस्क मतलब, ऑडिट रिस्क मतलब जब ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है किस समय, जब एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कुछ गड़बड़ी है, पर हमारा ऑडिटर भाई, हमारा ऑडिटर भाई नहीं पता क्या उसको इंसेंटिव मिला हो फाइनेंशियली या कोई भी रिश्तेदार हो, बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, क्लीन ओपिनियन दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। जब ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे देता है उस समय जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थी, तो ये क्या हो गया आपका, ऑडिट रिस्क। ठीक है, ये आपका मीनिंग था। तो ऑडिट रिस्क हमेशा, ऑडिट रिस्क इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब, आपको मैंने मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब बताया था, ऐसे आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आपकी फाइनेंशियल ओपिनियन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपकी ओपिनियन को, आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है आपको पता है, और डिटेक्शन रिस्क क्या होता है ये हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर आपको दो टाइप के रिस्क देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका इनहेरेंट रिस्क और एक आपका होता है कंट्रोल रिस्क, यानी कि आईसी, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये क्या होता है, देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी डिफाइंड एज अ रिस्क डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, दिस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग। देखो ऑडिट के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई घपला है, फ्रॉड हो चाहे एरर हो, फ्रॉड और एरर आपको पता है दो तरीके से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इट मे बी वेदर ड्यू टू एरर और इट मे बी ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, तो ऑडिट करने के पहले ही कुछ तो घपला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर आपको इनहेरेंट रिस्क मिलेगा। इनहेरेंट रिस्क आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की जरूरत है आप बच्चों को, अगर आपने शुरू के वीडियोस देखे हैं तो, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क हम पहले ही बता चुके, ऐसा रिस्क जो ऑडिट से चिपका हुआ होता है, जो कभी ऑडिट से अलग हो ही नहीं सकता, उसके साथ साथ चलता है, और साथ साथ में और ऑडिट चलेगा इनहेरेंट रिस्क चलेगा, तो इनहेरेंट रिस्क वही होता है। देखो मैंने फिर भी लिखा है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर रिलेटेड कंट्रोल्स। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रिस्क होता है ऑडिट में, उसको ऑडिट रिस्क बोलते हैं। ठीक है, और हमने अच्छे से पढ़ा है। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल रिस्क, तो कंट्रोल रिस्क मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल्स हमने पढ़े हैं। वट इज आई सी, इट इज़ अ प्रोसेस डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है, टू सेफ गार्ड द फर्म्स एसेट्स रिसोर्सेज, है ना, टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिक्योरिटी, ये सारे पर्पज के लिए जो प्रोसेस बनाया जाता है, मे बी रूल्स बोल सकते हैं हम लोग दूसरी भाषा में इसको, रूल्स बोलना मत, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे रूल जो आपको फॉलो करने हैं इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, वो आपको कंट्रोल करने ही करने, जैसे एक स्कूल के एग्जाम्पल लेता हूँ, तो स्कूल में हम जाएंगे तो पहले हम किससे मिलेंगे, रिसेप्शनिस्ट से, रिसेप्शनिस्ट को हम बोलेंगे कि हमें एडमिशन करवाना है अपने बच्चे को, तो वो बोलेगी ठीक है, तो वो बोलेगी आप एक मिनट बैठिए मैं एडमिशन डिपार्टमेंट कॉल करती हूँ, वो एडमिशन डिपार्टमेंट कॉल करेगी, बोलेगी पेरेंट्स हैं उन्हें क्लास 3 में एडमिशन कराना है, तो एडमिशन डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई आएगा, बोलेगा सर आप आइए हम आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करा देते हैं, हम आपको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं हमारा स्कूल क्या है, कैसा है, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, वो जाएगा सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, फिर एक फॉर्म देगा सबमिट भरने के लिए, वो फॉर्म सबमिट करेंगे, बोलेगा सर वो काउंटर है, आप उस काउंटर में जाके इस फॉर्म को सबमिट करके आप एडमिशन फीस दे दीजिए, तो काउंटर में फॉर्म सबमिट करके एडमिशन फीस, फिर वहाँ पर वो उसे एक टोकन देंगे, और वो टोकन देके बोलेंगे आप स्टोर से ले जाइए और बच्चे का स्कूल ड्रेस, बैग, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ों के लिए आप आईडी कार्ड का फॉर्म यहीं भर दीजिए और ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से लेगा फिर पेरेंट्स बच्चे को लेके निकल जाएंगे, बस वाले को इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे आपके काउंटर वाले, और फाइनली बच्चा नेक्स्ट डे से स्कूल आने लगेगा। ये एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर था जो सबको अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम फॉलो करना, रिसेप्शनिस्ट का काम है कॉल करके इन्फॉर्म करना, वो उस बंदे का काम है वो आके समझाएगा एडमिशन डिपार्टमेंट से और फॉर्म फिलअप कराएगा, काउंटर में फीस पेमेंट करने के बाद वो उसे फीस लेके स्टोर डिपार्टमेंट भेजेगा और स्टोर वाला से सामान देगा, तो दिस इज अ प्रोसेस, है ना, और उस प्रोसेस को कोई भी ओवरलैप करना अलाउड नहीं है, तो दैट इज इंटरनल कंट्रोल वी कैन से। तो
इट इज़ अ प्रोसेस. तो देखो इंटरनल कंट्रोल जब प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज़ को, व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट ऑन अ टाइमली बेसिस बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, जब मिसस्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. आईसी वीक है, आपका इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर वीक है, ठीक है, कोई भी ओवरलैप कर ले रहा है, ठीक है, वीक है यहाँ पर आईसी, तो उस केस में कंट्रोल रिस्क आता है. ठीक है, कंट्रोल रिस्क नाम में ही है, कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क. तो कंट्रोल कब वीक हुआ, जब आपकी आईसी स्ट्रांग नहीं है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, मिसस्टेटमेंट आप प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उसे रोक नहीं पा रहे, आप उसे पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, आप उसे सही नहीं कर पा रहे मिसस्टेटमेंट को, तो आपकी आईसी वीक है. ठीक है, तो ये आपका था कंट्रोल रिस्क. नाउ कमिंग टू द, देखो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट का हिंदी अनुवाद होगा गलत स्टेटमेंट. इसका मतलब जो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुआ और जो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये एफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुआ है और ये फर्जी है, ये फर्जी है और ये एफआरएफ के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट हुआ है, ये वाला प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसी को मिस स्टेटमेंट बोलते हैं. मतलब द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रेजेंटेड इज़ नोन एज मिस स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वही लिखा है, मिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफाइड प्रेजेंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट किए हैं, एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर डेट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, जो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनना था और जो एक्चुअल बना है उसके बीच का डिफरेंस. मिस स्टेटमेंट कैन बी अराइज वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ये तो हमको पता है. ठीक है, अब देखो असेसमेंट ऑफ रिस्क मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. ठीक है, बोल रहा है रिस्क असेस करना प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है. ठीक है, दिमाग का यूज करना है, सीधी सीधी बात बोलूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर दैट पर्पज एंड एविडेंस ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट. देखो असेसमेंट ऑफ रिस्क किस पे बेस्ड है, ऑडिट प्रोसीजर्स पे. ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, बस अभी पढ़ेंगे इसके बाद तुरंत ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पर्पज, उस काम के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, जो असेसमेंट ऑफ रिस्क के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड द एविडेंस ऑब्टेन थ्रू आउट द ऑडिट, और जो एविडेंस हमको पूरे ऑडिट के दौरान मिले, द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर आप कर पाओगे, जैसे मैंने आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एग्जाम्पल दिया था, तो एक भोकवा सा है आदमी, ठीक है, आर्टिकल मान लेते हैं, सीए को क्यों बोले भाई, बहुत रिस्पेक्ट है, एक भोकवा सा आर्टिकल है, ठीक है, उसको वो पूछा, ठीक है, पर हमारा प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं, ये 25,000 की स्टेशनरी दिखाइए सर. बोला बेटा कल दिखाते हैं ना. बोला ठीक है अंकल, कोई दिक्कत नहीं, कल दिखा देना. अगले दिन बोला अंकल स्टेशनरी दिखाने वाले था जब, बेटा वो आज वो स्टोर वाला आया नहीं है, चाबी नहीं मिल रही, कल दिखाते. बोला अंकल ठीक है. फिर उसके नेक्स्ट डे अंकल स्टेशनरी नहीं दिखाया. बेटा तू काहे टेंशन ले रहा है इतना, स्टेशनरी है, तेरे को पता है तेरे को सीए बनना है ना, स्टेशनरी से 25,000 की चीज़ में ध्यान मत दिए कर, 10-15 लाख की चीज़ तो समझ में आता है, तू क्या 25,000 के पीछे पड़ गया, तेरे को पता है तू अपने बॉस को बताएगा ना, वो भी तेरे को डांट देंगे कि क्या 25,000 का आइटम पड़े बैठा है. तो बोले हाँ यार सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, छोड़ो इसको, छोड़ो ऐसी 25,000 करके तो लाखों करोड़ों के घपले होते हैं, पर यहाँ पर वो प्रोफेशनल जजमेंट अपनी नहीं लगा पाया. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट. ठीक है, आपके पास पूरा ज्ञान है, बुकिश किताबी कीड़ा पूरा है आपको, प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है ना आपके अंदर, वो स्किल्स नहीं है ना, नहीं निकाल पाओगे रिस्क, नहीं निकाल पाओगे रिस्क. सही बात है ये, आप ऑडिट में देखना जब करने जाओगे तो, आर्टिकलशिप के जाना, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूडेड नहीं है, पहला चीज़, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसअंडरस्टैंड. देखो बोल रहा है ऑडिट रिस्क इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, पर फिर भी ऑडिटर डिस्क्लेमर दे दिया. ठीक है, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर एफआरएफ, इज प्रेजेंटेड इन द क्या बोलते हैं एजीएम, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ऑडिटर बोल दिया डिस्क्लेमर, डिस्क्लेम कर दिया, आईएम होता है
ठीक है, डिस्क्लेमर दे दिया या मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्लीन नहीं दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, ठीक है। ये सब ओपिनियन क्या होते हैं आप बस सुन लो, क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन बहुत इजी सा टर्म है, ठीक है। हम मोस्ट प्रोबेबली इसी या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ओपिनियंस किस टाइप के होते हैं। पर मान लो सही नहीं दिया, क्लीन नहीं दिया, कुछ अलग दे दिया, ठीक है, तो उस केस को ऑडिट रिस्क नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, उसको ऑडिट रिस्क नहीं बोलते हैं कि ऑडिटर सही होने के बावजूद भी बोल रहा है गलत है गलत है गलत है, तो उसको हम ऑडिट रिस्क नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, इट डज नॉट रिफर टू ऑडिटर बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लीगल एडवर्स पब्लिसिटी अदरराइजिंग इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो दूसरा चीज़, एक और ऑडिट रिस्क फॉर्म के बिहाफ में बोल रहा है, जैसे मान लो ये देखो, ये बोल रहा है एक सीए की फॉर्म है, ये सीए फॉर्म है, ठीक है, और ये ऑडिट ऑडिट करने गई थी किसी एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की, ठीक है, ऑडिट करने गई थी और उन्होंने ना यहाँ मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्लीन नहीं दिया, मतलब साफ सुथरा नहीं बोला, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपना ओपिनियन दे दिया कि नहीं यहाँ यहाँ पर ही गलती कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड फॉर्म की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, ठीक है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी, तो इन्होंने अपनी सोर्सेज का यूज़ करके इस फॉर्म के बारे में बहुत कुछ अफवाहें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोल सकते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी कि नहीं ये फॉर्म तो ख़राब है, ऑडिट करने आए थे, सिर्फ पैसा 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 करते हैं, ढंग से ऑडिट भी नहीं किए, कुछ चीज़ मेरी चेक भी नहीं की अच्छे से, इसलिए तो देख मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, अच्छे से चेक किए रहते तो क्लीन आता, ऐसे ऐसे करके नेगेटिव पब्लिसिटी कर दिए, तो इस फॉर्म का नाम खराब हो गया सीए फॉर्म का, पर इसको भी ऑडिट रिस्क नहीं बोला जाता, ठीक है। अब देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और लेवल ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस यानी कि असर्शन लेवल्स पे, ये सब का मतलब क्या होता है असर्शन लेवल, तो दो लेवल पे यहाँ आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ें, ठीक है, टू लेवल्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। तो नाउ कमिंग टू द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, तो इसको क्या बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिफर्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डेट रिलेट पर से परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस। भाई ऐसा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा रोमम जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब एज अ होल इट विल अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिस्क, ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो रिस्क होता है, ठीक है। और दूसरा असर्शन लेवल पे वो रिस्क होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी फैप नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दिस एविडेंस एनेबल्स ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। देखो ये उस टाइप का रिस्क होता है जो पर्टिकुलर किसी किसी आइटम पे होता है, और ये रिस्क हम जनरली ऑडिट के पहले ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स ये दोनों चीज़ ही रैप में होती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दो होते हैं प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी रैप और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि फैप, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये बेसिकली क्यों पता किया जाता है कि हम नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ फैप पता कर सकें, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमको अपना एक्सटेंट ऑफ ऑडिट बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क जितना ज़्यादा दिखेगा ना उतना हमको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हमको अपना ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा, जितना रिस्क बढ़ते जाएगा प्रोसीजर हमको और बढ़ाना पड़ेगा, नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट, और देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीज़ों पे चेक करना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा हमको एफिशिएंट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत है, या कैसे निकलवा सकते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे निकाल सकते हैं, और कितनी ज़्यादा एविडेंस की हमको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो ये असर्शन लेवल पे आपको अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ों से, ठीक है, ऑकरेंस, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आगे अभी हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर होगा कि देखो ऑडिट प्रोसीजर्स, पहले ये चार्ट देख लो फिर पढ़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी कि रैप, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि फैप। यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज रैप एंड दिस इज फैप, FAP, फैप, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर देयर। नाउ कमिंग टू द रैप, व्हाट इज रैप, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो पता लगाता है उसको हम रैप बोलते हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम रोमम का पता लगाते हैं, रोमम प्यार से बोलते हैं इसको हम रोमम, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता लगाते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम दो चीज़ें करते हैं,
पहला हम करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का टेस्ट करना, किस कौन से कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, कि कैसे हाउ इंटरनल कंट्रोल डिजाइंड है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया, क्या वो सच में जरूरत है जो आईसी आप बनाए हैं, हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, डिजाइन तो कर लिए बहुत अच्छा, इंप्लीमेंटेशन कैसा है, काम कैसा चल रहा है, और मेंटेन्ड, ठीक है, क्या वो सब समय समय में अपडेट करते हो, मेंटेन करते हो, क्या आप जाके समय समय पर उसे चेक करते हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या आईसी चेक कर रहा है, या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट जाके समय समय पर चेक कर रही है कि आईसी एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कहीं घपला हो रहा है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, मतलब कंट्रोल्स जितने अच्छे होंगे उतना आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम कर सकते हैं, क्यों, कंट्रोल स्ट्रांग है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड के चांसेस कम हो गए हैं, ठीक है, एरर हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस कम हो गए, तो इसलिए हम अपनी ऑडिट प्रोसीजर को भी कम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कंट्रोल पावरफुल होगा उतना हम कम कर सकते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, ठीक है, भरोसा कर सकते हैं कंट्रोल्स पे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है दूसरा फैप के अंदर, जिसके अंदर हमको फिर दो चीज़ पढ़नी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हम पढ़ेंगे एसे के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एसे है उसे हम पढ़ेंगे, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब आपके वाउचर्स को चेक करना, आपके बिल्स वगैरह को चेक करना, ये सारी चीज़ों का अकाउंट्स को चेक करना, ये आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। तो इसके अंदर आपको देखो तीन चीज़ें आपको चेक करनी है, आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आपको ट्रांजेक्शन चेक करना है, और आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करना है। और वो आप कैसे चेक करोगे, तो देखो देखते जाओ, कंप्लीटनेस, तीनों में आप कंप्लीटनेस चेक करोगे ट्रांजेक्शन की, तीन इसमें आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे, फिर उसके बाद आप वैल्यूएशन चेक करोगे अकाउंट बैलेंस का, और फिर राइट्स और ऑब्लिगेशन चेक करोगे, ठीक है, कि क्या आपके अकॉर्डिंग राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशन है, तो CEVR, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो EVCR, एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन कंप्लीटनेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये आपको अकाउंट बैलेंस के अंदर चेक करना है, दीज आर ऑल असर्शंस, ठीक है, ये सारे क्या है असर्शंस आपके, ये सारे असर्शंस आपको चेक करने हैं, ठीक है, ये सारे असर्शंस। ट्रांजेक्शन के अंदर आपको देखना है कंप्लीटनेस, ऑक्यूरेंस, एक्यूरेसी चेक करनी है, क्लासिफिकेशन चेक करना है, जो उसका क्लासिफिकेशन हुआ है सही हुआ है कि नहीं, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, और कट ऑफ चेक करना है, ये सारे भी असर्शंस है, ये असर्शंस कैसे चेक करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करना है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ओ सी ए सी सी ऐसे याद रख सकते हो। और तीसरे में कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ओ सी ए सी और ये EVCR, ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, EVCR, OCACC, OCAC, ठीक है, तो आपको अकाउंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अगेन वन मोर टाइम, एक बार, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर रोमम, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर फिर से दो चीज़ आएगी आपकी, क्या क्या आएगी जल्दी बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर देख लो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर हाउ आईसी इज डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, और फिर आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर आपको चेक करना है बिल्स और वाउचर, जिसमें आपका अकाउंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर चेक करना है। अकाउंट बैलेंस में आपका EVCR है, आपका ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में OCACC और OCAC, ठीक है, तो इतना ही आपका याद करने वाला चीज़ है, शॉर्टकट था याद करने के लिए। अब पढ़ते हैं डेप्थ में होता क्या है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, SA 315 अब कवर करने वाले हम, SA 315। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 315 आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये ऐसे का नाम है, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई करना और असेस करना रोमम को, आइडेंटिफाई करना और असेस करना रोमम को, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, चाहे वो एरर के कारण हो चाहे फ्रॉड के कारण हो, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज आईसी इंटरनल कंट्रोल, देयर बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बोल रहा है इस एसे के अंदर हमको पढ़ना है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रोमम पता लगाओ, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगाना रोमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, ऑडिटर इसको पता लगाएगा उसके बाद, और वो इसको पता कैसे लगाएगा, एंटिटी को समझ के,
एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगा, एंटिटी के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, उनके काम करने के तरीके को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रूमम पता लगाएगा। इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल पावरफुल है तो वो कम कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल एकदम वीक या फिर है ही नहीं तो फिर भाई काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, ठीक है, उसकी प्लानिंग होगी। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है हमको, इसलिए चैप्टर 2 में जाना है इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2 में ये सब चीज़ें यूज़ हुई है वर्डिंग्स, ठीक है। तो ऑडिटर यहाँ पर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करेगा ताकि वो जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक यानी रोमम है उसको एक्सेप्टिवली लो लेवल तक ले जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोमम पकड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन हो पाए, ठीक है, और कम से कम वो रिस्क को कम से कम करे, मतलब एश्योरेंस का लेवल वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गारंटी दे पाए कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से ऑडिट किया है, और कम से कम वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये ऐसे 315 का हमको ऑब्जेक्टिव था। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर स्टेटेड इन 315। ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 315 के अंदर, वो हमको पढ़ना है डिटेल में। Identify and assess the risk of material misstatement. तो पहली क्या है, identify करो और assess करो risk of material misstatement. किस दोनों लेवल पे ना, financial statement level, assertion level, दोनों लेवल पे रोमम पता लगाओ सबसे पहले। तो ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल, दोनों लेवल पे, ताकि वो बेसिस प्रोवाइड कर सके डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग फैप। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रोमम पता लग जाए ना एक बार तो उससे एक बेस मिल जाता है कि कितना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमको लगने वाला है, कितना एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा, कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ऑडिट की, ठीक है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल, इस पर्पस के लिए ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल डेट रिलेट टू रिस्क एंड बाय कंसीडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोज़र इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसलिए मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले पढ़ा दी, बोल रहा है सबसे पहला काम वो करेगा एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझेगा, एंटिटी को समझेगा, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा, क्रॉस चेक ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेगा, चाहे खड़े होकर देखेगा कि आईसी वर्क कर रहा है कि नहीं, खड़े होकर चेक करता रहेगा, तो या तो ऑब्जर्वेशन थ्रू चेक करेगा या कैसे भी चेक करेगा, आईसी चेक करेगा कि क्या आईसी रिलायबल है, इंटरनल कंट्रोल पावरफुल है क्या, रिलायबल है क्या, वो चीज़ चेक करेगा, तो आईसी चेक करेगा कंट्रोल्स, और तीसरा चीज़ फिर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन यानी असर्शन लेवल पे चीज़ों को चेक करेगा, ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और उसमें क्या चेक करेगा, EBCR, OCACC और OCAC, ठीक है, इतनी चीज़ें वो चेक करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेल्युएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पोटेंशियली इफेक्ट मेनी असर्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद देखेगा जो रिस्क मिले हैं वो रिस्क किस लेवल पे है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है, अगर हाँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे वो बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट डालने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोस्ट ऑफ द आइटम्स को वो इम्पैक्ट डालेंगे, तो वो चीज़ वो चेक करेगा। थर्ड पॉइंट, रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल टेकिंग अकाउंट्स ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल दैट द ऑडिटर इंटरेस्ट टू टेस्ट। देखो अब और फिर वो चेक करेगा क्या जो रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया, क्या वो असर्शन लेवल पे कुछ चीज़ें पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, असर्शन लेवल पे कोई दिक्कतें लाने वाले, असर्शन लेवल पे कोई इम्पैक्ट है क्या उसका। दूसरा चीज़, वो फिर रेलेवेंट कंट्रोल्स लेगा उस रिस्क से रिलेटेड, वो जो रिस्क हुआ जैसे मान लो अकाउंटिंग में कोई रिस्क हुआ तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कंट्रोल था क्या, अगर नहीं था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर करना ही पड़ेगा, और अगर था तो उस कंट्रोल को चेक करेगा, उस कंट्रोल को जाके टेस्ट करेगा अच्छे से कि क्या वो कंट्रोल वर्क नहीं कर रहा था, अगर नहीं वर्क कर रहा था तो फिर पक्का रिस्क है, असर्शन लेवल पे अब खंगालो बेटा कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। और फाइनली कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट एंड वेदर द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, वो एक मिसस्टेटमेंट से कितने मिसस्टेटमेंट हुए होंगे, मतलब एक का इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट, उस एक मिसस्टेटमेंट से कितने मल्टीपल मिसस्टेटमेंट हुए, एंड वेदर द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और क्या जो मिसस्टेटमेंट हमको मिला है। देखो मैंने आपको बता दिया है मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट डिफरेंट होता है, मिसस्टेटमेंट क्या होता है डिफरेंस, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है वो मिसस्टेटमेंट जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में इम्पैक्ट डाल सकता है, डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डाल सकता है, तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। मिसस्टेटमेंट मतलब सिर्फ डिफरेंस,
पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब वो डिफरेंस जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन आपका चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो वो चेक करना है कि जो मिसस्टेटमेंट हमको मिला है, जैसे मान लो हमको मिसस्टेटमेंट मिला हमको 20 रुपये का, 20 रुपीज़ मिसस्टेटमेंट, तो क्या ये मटेरियल है? आप बोलोगे ना, हमको रुपीज़ 2000 का मिसस्टेटमेंट मिला, क्या ये मटेरियल है? आप बोलोगे ना, हमको रुपीज़ 20 लाख का मिसस्टेटमेंट मिला, क्या ये मटेरियल है? आप बोलोगे हाँ। तो हर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं होता, एवरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज़ अ मिसस्टेटमेंट, बट एवरी मिसस्टेटमेंट इज़ नॉट मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो मिसस्टेटमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहला सके, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फाइनली हमारे रैप में, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो इसका डेफिनेशन क्या है? द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। आपको समझ में आ गया होगा पर मैं समझा रहा हूँ, जो ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे ताकि आप ऑब्टेन कर सको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी को अंडरस्टैंड कर सको, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, आप एंटिटी को अंडरस्टैंड कर सको प्लस प्लस एंटिटी के बिजनेस इन्वायरमेंट को, एंटिटी भी अंडरस्टैंड करना है, उसके इन्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज आईसी, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी समझना है, ठीक है। यही हम लोग अभी ऊपर भी पढ़ के आए, इसलिए मैंने आपको बोला आपको समझ में आ गया होगा। टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम, यह सब हम कर क्यों रहे? हम एंटिटी को, इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को, असर्शंस को समझ क्यों रहे? रोमम पता लगाने के लिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगाने के लिए, ठीक है। वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ हो, फ्रॉड से या एरर से, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो एक चीज़ मैं पढ़ाना चाहूँगा, देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बाय देमसेल्व्स हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करने से या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को लगाने से हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस शायद ऑब्टेन ना कर पाए, शायद ऑन विच द बेस ऑफ ऑडिट ओपिनियन, जिससे हम सिंपली ऑडिट ओपिनियन अपना ड्रॉ कर सके। हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ रोमम पता लगाने के लिए, सिर्फ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पता लगाने के लिए हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। हम उससे अपना ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर सकते, हमको ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के भी रास्ते से निकलना पड़ेगा। तो पहले रैप फिर फैप, ठीक है। पर रैप जो है वो फैप का बेस बना देता है, रैप बताता है कि कितना फैप, रैप टेल्स अस हाउ मेनी फैप, कितना फैप का स्कोप कितना होगा, ये हमको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बता देता है, ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, बोल रहा है रैप परफॉर्म करने से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको ऑडिट एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। पर अभी आगे पैराग्राफ में पढ़ो, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज मे बी यूज बाय द ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन एडिशन द ऑडिटर मे ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर रिलेटेड असर्शंस एंड अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इवन दो सच प्रोसीजर वर नॉट स्पेसिफिकली प्लान्ड एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, द ऑडिटर ऑल्सो मे चूज टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कॉन्करेंटली विथ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बिकॉज इट इज एफिशियंट टू डू सो। देखो सिंपल बोल रहा है, वही चीज़ बोल रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को आप एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। आप बाकी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्लान्ड नहीं होता है। एक्चुअल में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ना हम जाकर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये नॉट स्पेसिफिकली प्लान्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरह ये प्लानिंग नहीं होता है, तो इसलिए हमको बोला जाता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ में हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने हैं जिसके अंदर आपका सब्सटेंटिव और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आता है। तो वही चीज़ इस पैराग्राफ में बोल रहा है, ठीक है। द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ ड्यू टू एरर और फ्रॉड, दोस ड्यू टू फ्रॉड। अब देखो इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिस्क होता है वो दो तरीके से हो सकता है, वो एरर के कारण भी हो सकता है और वो फ्रॉड के कारण भी हो सकता है। देखिए द रिस्क टू बी एसेड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर और दोज ड्यू टू फ्रॉड आर बोथ कवर्ड बाय एसे, इस स्टैंडर्ड के द्वारा दोनों कवर किया गया। हाउएवर द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड इज दैट फर्दर रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस आर इंक्लूडेड इन एसे 240। फ्रॉड से रिलेटेड और ज्यादा गाइडेंस आपको एसे 240 में मिलेंगी। द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ठीक है, इस एसे में आपको मिलेगी। इन रिलेशन टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन डेट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड जो है वो सोफेस्टिकेटेड और सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप जाएंगे रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और आपको फ्रॉड मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? बेटा गलत फैमिली में ना रही हो, नहीं मिलता इतने आसानी से फ्रॉड। उसमें हायर लेवल इंक्लूड हो सकता है, मैनेजमेंट इंक्लूड हो सकता है, प्लानिंग किए रहते हैं 2-3-4-5 साल प्लान करके, एक फ्रॉड होता है और बड़ा फ्रॉड होता है वो, ऐसे कैसे ढूंढ लोगे आप? ट्रेंड एनालिसिस से बस ढूंढ लोगे क्या? ठीक है, फ्रॉड मिल तो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस से, पकड़ोगे कैसे? नहीं हो पाता। ठीक है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ऐसे 240 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसे 240, ये देखो, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर। तो एज पर ऐसे 240 द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद बोथ दोज आर विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी एंड मैनेजमेंट। भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने की। तो ये पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने की। तो मैं बताता हूँ, रोमम को डिटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी TCWG दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की नहीं है, ऑडिटर की नहीं है, मैनेजमेंट और TCWG की। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड एरर का प्रिवेंशन और डिटेक्शन का जो काम है वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस के हाथ में होता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, ऑडिटर का जिम्मेदारी ये नहीं है। ऑडिटर ढूंढता तो है पर उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस प्लेस एंड स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइजेज ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन विच मे रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस एंड फ्रॉड डेटरेंसेस विच कुड परसुएड इंडिविजुअल नॉट टू कमिट फ्रॉड बिकॉज ऑफ द लाइकली ऑफ डिटेक्शन पनिशमेंट दिस इन्वॉल्व इन अ कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर विच कैन बी रिइंफोर्स बाय एक्टिव ओवरसाइट बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बोल रहा है TCWG और मैनेजमेंट को शुरू से ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए जिससे फ्रॉड और एरर ना हो, प्लस इसके प्रिवेंशन डिटेक्शन के लिए और करेक्शन के लिए, इसको पता लगाने के लिए, इसको ढूंढने के लिए एकदम हाई, एकदम टॉप लेवल के ICs होने चाहिए, एकदम टॉप लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि लोग सोचने के पहले भी डरे, फ्रॉड करने का सोचे भी ना, या फ्रॉड करने का सोचे भी तो उसके पहले भी लोग डरे कि नहीं यार हमको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, फ्रॉड करने से लोग डरे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इतना हाई लेवल का चीज़ बनाए कि पहले इंसान डर जाए फ्रॉड और एरर के बारे में, फ्रॉड के बारे में वो सोचे भी ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उन लोग या ये कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर मेंटेन करें, उसके लिए मोटिवेशनल सेमिनार, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, हायर सैलरी देना, ये सारी चीज़ें रहेंगी पहले से, तो कोई इंप्लॉई या कोई मैनेजर सोचेगा ही क्यों फ्रॉड करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आपको एकदम ही लालची आदमी है तो ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी सब तो नहीं होते, 99% लोग तो नहीं होते, तो इसीलिए सब लोग विजय माल्या नहीं होते, सब लोग नीरव मोदी नहीं होते, खैर छोड़ो। तो इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों को बोला गया है कि मैनेजमेंट और TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आपको कोशिश करना चाहिए। नाउ ब्रॉडली द जनरल प्रिंसिपल लेड डाउन इन द एसे मे बी नोटेड एज अंडर। अब इस स्टैंडर्ड ऑन रीडिंग के अंदर जो जनरल प्रिंसिपल डाला गया है वो ये सब है। ठीक है, ब्रॉडली मतलब ये सारी चीज़ें, वो सब तो ज्ञानम था, गुरु ज्ञानम। ठीक है, अब आगे मेन चीज़ हमको पढ़नी, मेन कंटेंट ये है कि देखो, एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर। ये लाइन हम पिछले 10 बार पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगाओ, चाहे वो एरर के कारण हुआ चाहे फ्रॉड के कारण हुआ। एज डिस्क्राइब इन ऐसे 200 OER CASA ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। ये हमने बचपन में पढ़ा, मतलब शुरू में पढ़ा था कि इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण हम हर मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो वो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इवन
थ्रू द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। चाहे कितने भी केयरफुली कितने भी क्रिटिकली हमने ऑडिट को परफॉर्म किया हो, प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू ऐसे सारी चीज़ों को डिसिप्लिन मैनर में क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए भी किया हो, तो भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वही बात लिखी है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, देखो, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। बोल रहा है अगर आपको एरर का रोमम नहीं मिला, एरर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला और फ्रॉड का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, तो फ्रॉड का जो वो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्या? नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क फ्रॉड में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरर, क्योंकि एरर छोटा मोटा चिल्ली पिल्ली लाख दो लाख का ट्रांजेक्शन होगा, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रॉड इट मे बी ऑफ 25 30 50 करोड़ में भी हो सकता है। तो फ्रॉड का रिस्क नहीं मिलना बहुत खतरे की बात है एज कम्पेयर टू एरर जो है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है। पर फ्रॉड जो है, ऐसा नहीं, कभी कभी बड़े एरर भी होते हैं पर मोस्ट ऑफ द टाइम, पर फ्रॉड तो भाई पक्का बहुत बड़ा ही होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिजाइंड टू कंसील इट, छुपाने के लिए सोफेस्टिकेटेड केयरफुल तरीके से बहुत हाई लेवल की प्लानिंग की गई रहती है फ्रॉड को छुपाने के लिए। एक्चुअली इट इज प्लान्ड। इफ वी कैन से एरर और फ्रॉड में डिफरेंस क्या है, तो फ्रॉड इज प्लान्ड, फ्रॉड इज प्लान्ड बट एरर इज अ मिस्टेक, एरर इज अ मिस्टेक, इट इज नॉट प्लान्ड, इट इज कम्प्लीटली अ मिस्टेक। तो इस वजह से यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रॉड को छुपाया जाए, एरर तो फिर भी मिल जाए क्योंकि मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है मिल जाएगी, पर फ्रॉड तो भाई बड़ी 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 ब्लंडर है और प्लस प्लान तरीके से छुपाने का उसका फुल प्लानिंग किया होगा। वैज ऑडिटर ही सोचा होगा कि ऑडिटर ये करेगा तो इसके लिए भी लूप होल ढूंढो, ये करेगा इसके लिए भी लूप होल ढूंढो, तो इट इज कम्प्लीटली प्लान्ड। सच एज फोर्जरी, फोर्जरी मतलब नकली सिग्नेचर, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बींग मेड टू द ऑडिटर। ठीक, ऑडिटर को ही गलत रिप्रेजेंटेशन दे दो, गलत इन्फॉर्मेशन दे दो। सच अटेम्प्ट्स एज कंसीलमेंट मे बी इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हेन अकंपनीड बाय कोलोजन्स। ठीक है, कोलोजन मतलब क्या होता है, गलत काम करना। ठीक है, तो गलत काम मतलब किसी को हार्म करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत काम करना, इसको हम बोल सकते हैं भाई फ्रॉड। ठीक है, हाँ फ्रॉड ही तो पढ़ रहे हैं। कोलोजन मे कॉज द ऑडिटर टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव व्हेन इट इज इन फैक्ट फॉल्स। कोलोजन, कोलोजन के कारण हम किसी इंसान के साथ गलत काम कर रहे हैं, हम ऑडिटर के साथ गलत काम कर रहे हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑडिटर को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। कोलोजन में भाई सबसे बड़ा चीज़ तो पर्सनल बेनिफिट ही होता है। ठीक है, तो इसमें ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि इन्फॉर्मेशन मेरे को जो मिल रही है सारी सही है क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्लान्ड। ठीक है, बट एक्चुअल में सारी चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज स्किलफुलनेस ऑफ द पर्सपेक्टर, द फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, द डिग्री ऑफ कोलोजिव कोलोजन इन्वॉल्व, द रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड एंड द सीनियोरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। बोल रहा है ऑडिटर की जो एबिलिटी है डिटेक्ट करने की फ्रॉड की, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। क्या फैक्टर्स? किस स्किलफुलनेस ऑफ द पर्सपेक्टर, ठीक है, कि वो कितना स्किलफुल है, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है, अगर एकदम ही हद मैनिपुलेशन है भाई, छुपाया नहीं जा सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एकदम करोड़ों करोड़ों घपला, करोड़ का बिजनेस करोड़ का घपला कंप्लीटली दिख ही जाएगा भाई ऑडिटर को, इतना ज्ञानी तो है ही वो। ठीक है, द डिग्री ऑफ कोलोजन इन्वॉल्व, कितना ज़्यादा धोखे में रखा गया है, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा ही धोखे में रख दिया तो कभी ना कभी तो पता चली जाएगा झूठ। ठीक है, और द रिलेटिव साइज एंड इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड, और जो अमाउंट है मैनिपुलेशन का अमाउंट वो कितना है, उसका रिलेटिव साइज कितना है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ट्रेंड एनालिसिस से जनरली फ्रॉड का एक ग्रॉस आइडिया मिल जाता है कि पिछले साल तो 10% था, इस साल अचानक से 27% 30% कैसे दिख रहा है, 20% की वृद्धि कैसे हो गई, इतना बड़ा डिफरेंस, तो वो ट्रेंड एनालिसिस से एक ग्रॉस आइडिया तो फ्रॉड को ऑडिटर को मिल ही जाता है। ट्रेंड एनालिसिस कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, एंड द रेशियो, रेशियो वगैरह से पता चलता है। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली रेशियो एनालिसिस जो हमने बचपन में पढ़ा था क्लास 12 वगैरह में, उससे पता चलता है। ठीक है, एंड द सीनियोरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल इन्वॉल्व, और भाई कितने सीनियर है, अगर एकदम एकदम एक्सपीरियंस सीए होंगे, दो दो मिनट में फ्रॉड निकालते हैं सीए लोग, एक्सपीरियंस जो बहुत सीनियर सीए लोग होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग ऑलरेडी लाखों फ्रॉड पकड़ के रखे हैं, तो भाई उनसे क्या छुपाओगे। ठीक है, वाइल द ऑडिटर मे बी एबल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉड टू बी परस्पेक्टिव, इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट इज इन जजमेंट एरिया सच एज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। देखो, मिसस्टेटमेंट इन जजमेंट, जजमेंट किसमें, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, ठीक है, और जिससे कि फ्रॉड और एरर हो सकता है, यहाँ पर ऑडिटर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट इन जजमेंट,
मिसस्टेटमेंट जो जजमेंट में हुई किसमें, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में, अकाउंटिंग एस्टीमेट में होती है अकाउंटेंट से, ठीक है, तो वो फ्रॉड है कि एक्चुअल में वो गलती है उसकी, एरर है कि फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग कई बार अपनी बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन लगाते हैं। जैसे आपने अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपको जो अकाउंटिंग के टीचर है वो आपने जो कि जिस साइड भी बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसमें हम क्या डालें, तो आप पूछते हो तो बोलते हैं आप अपनी बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन लगाओ। जैसे क्रेडिटर के क्रेडिट साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मान लिया जाता है कि क्रेडिट परचेज है, बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन क्रेडिट परचेज है, ठीक है, तो ऐसी बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन, तो अकाउंटिंग एस्टीमेट में जो अजम्पशन लगी है क्या वो एरर है या वो फ्रॉड की तरफ लेके जा रहा है चीज़ों को, तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर तो खुद अजम्पशन लेना पड़ता है। नाउ फर्दर मोर द रिस्क ऑफ द ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फ्रॉम एम्प्लॉयज फ्रॉड। बोल रहा है अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है और एम्प्लॉय फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो जो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी ना वो रिलेटिवली हाई होगा एज कम्पेयर टू इम्प्लॉयज़, क्योंकि इम्प्लॉयज़ को उतनी अथॉरिटी नहीं होती जितनी मैनेजमेंट को होती है, मैनेजमेंट उतनी हाई प्लानिंग कर सकता है जितनी इम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते। इम्प्लॉयज़ चंद इम्प्लॉय है कोई डिग्री लेके यूजी पीजी की डिग्री लेके इम्प्लॉय बने, पर मैनेजमेंट एमबीए सीए सीएस सीएमए जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट लेके वहाँ पर बैठे तो उनका जो प्लानिंग का तरीका होगा उनका जो फ्रॉड होगा कई हाई लेवल पे होगा एज कम्पेयर टू इम्प्लॉयज़, ये बोल रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंटली इन अ पोजिशन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ओवरहेड कंट्रोल प्रोसीजर डिजाइन टू प्रिवेंट सिमिलर फ्रॉड्स बाय अदर इंप्लॉयज। बोल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट के पास वो पावर होती है, वो अथॉरिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बोला अथॉरिटी, अथॉरिटी के कारण मैनेजमेंट बड़ा फ्रॉड कर सकती है। रीजन ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ओवरहेड कर सकते हैं उन्हीं कंट्रोल्स को जो कंट्रोल वो इंप्लॉयज के लिए बनाए हैं। इंप्लॉयज के लिए जो कंट्रोल बनाए हैं प्रिवेंशन करने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए जो कंट्रोल उन्होंने इम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है उन्हीं कंट्रोल्स को खुद तोड़ सकते हैं, क्योंकि वही बनाया तो वही तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों का जो वो रहेगा मैनिपुलेशन, जो मैग्नीट्यूड रहेगा फ्रॉड का, वो वे बेटर, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू इम्प्लॉयज़, ठीक है। और नेक्स्ट है व्हेन ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था थ्रू आउट द ऑडिट। Considering the potential for management override of control and recognizing the fact that audit procedure data are effective for detecting error may not be effective in detecting fraud। बोल रहा है ऑडिटर को जाके चेक करना पड़ेगा कि जो कंट्रोल्स हैं यानी कि जो आईसी है इंटरनल कंट्रोल, उसको कितने लोग ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों के पास, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें मैनेजर आईसी खुद बनाता है और मैनेजर बोलता है खुद मैं दृढ़ संकल्प आई एम टेकिंग द ओथ कि मैं इस आईसी को नहीं तोड़ूंगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि मैनेजर खुद भी उन चीज़ों को मानता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं कि जो खुद रूल बनाया वो मान रहा है तो हम क्यों ना माने भाई, ऐसा सीन। और दूसरी बात ये है तो ऑडिटर वहाँ पर जाके चेक करेगा कि आईसी तोड़ने की कितनी ताकत है, ओवरराइडिंग ऑफ आईसी कंट्रोल तोड़ने की अगर है ज़्यादा और देख रहा है ओवरराइड हो रहे कंट्रोल्स, तब तो फिर खतरा है क्योंकि कंट्रोल ओवरराइड हो सकते हैं, मतलब फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ वो पहले चेक करेगा। और दूसरा रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट डेट ऑडिट प्रोसीजर डेट आर इफेक्टिव फॉर डिट, और बोल रहा है उन प्रोसीजर्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो एरर तो पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे आईसी हैं एरर एक एक बार में पकड़ लेते हैं, पर वही आईसी फ्रॉड नहीं पकड़ पाते, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि कुछ इंटरनल कंट्रोल जो एरर्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं वो फ्रॉड को ना पकड़ पाते हो, ठीक है। द रिक्वायरमेंट इन द एस ए आर डिजाइन टू असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड इन डिजाइनिंग प्रोसीजर टू डिटेक्ट सच मिसस्टेटमेंट। बोल रहा है इस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर ऐसे उसको डिजाइन किया गया है कि ऑडिटर को असिस्ट कर पड़े किसमें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड के कारण हुआ है उसको ढूंढने में। ये वाला जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि ऑडिटर को वो मदद कर पाए, किस चीज़ में मदद, ऐसे प्रोसीजर डिसाइड करें जिसमें वो रोमम पकड़ पाए फ्रॉड से जो हुआ है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो पता कर पाए जो फ्रॉड के कारण हुए हैं, ठीक है। एंड डिजाइनिंग प्रोसीजर टू डिटेक्ट सच मिसस्टेटमेंट, और उन प्रोसीजर्स को डिजाइन करना जो इन मिसस्टेटमेंट्स को पकड़ पाए। यहाँ पर दो केस स्टडी दी है आपकी बुक में, देखो लोडिंग देखिए केस क्या है। वाइल ऑडिटिंग एक्स वाई जेड लिमिटेड द ऑडिटर वॉज टोल्ड बाय मिस्टर महेश द सीईओ ऑफ द कंपनी डेट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड एंड एरर इफ एनी ऑकरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए गए, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम ऑडिट करने गए, तो वहाँ के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर महेश, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फ्रॉड और एरर मिला तो ऑडिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आप बताइए इस केस में
कि क्या ऐसा है, तो आपको डिस्क्राइब करना है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो जैसा कि मैंने इस केस में एनालाइज किया, आप इस केस को पढ़ लेंगे, पर मैं आपको क्रक्स बता दे रहा हूँ कि अगर ऑडिटर ने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिट किया है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर ऑडिटर ने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एज पर लॉ एंड रेगुलेशन किया है, एज पर लॉ एंड रेगुलेशन किया है, प्लस वो इस चीज़ का हमको प्रूफ दिखा दे कि उसने एज पर ऐसे और लॉ एंड रेगुलेशन किया है, यानी कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमको दिखा दे, ठीक है, जिसमें वो दिखाएगा कि मैंने SAAE यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए थे और ये सारी चीज़ें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमको दिखा दे, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्रॉड और एरर के लिए, ये साफ बात, और यही उसका क्रक्स है, ठीक है। और ऑडिटर ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द मिसस्टेटमेंट टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस। अगर ऑडिटर को कोई मिसस्टेटमेंट मिल भी रही है तो उसको टाइमली बेसिस में उसे उन लोगों को बताना है जिनको बताने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट, TCWG, ठीक है। और ऑडिटर जो है वो लीगल एडवाइस भी ले सकता है, ही मे ऑल्सो ऑब्टेन लीगल एडवाइस बिफोर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिफोर विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो वो लीगल एडवाइस ले सकता है कि जो मिस स्टेटमेंट है ना, जो रोमा मिला है, जो फ्रॉड मिला है हमको, उसको कैसे डील किया जाए, प्लस अगर उसको लग रहा है कि उस फ्रॉड की वजह से उसको ऑडिट ही छोड़ना पड़ेगा तो पहले पूछ ले भाई कि ज़रूरत है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इस फ्रॉड को उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे दिखा सकता है, द फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, द फ्रॉड शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर वो फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न छुपाया गया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसी की गई है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपल इन द केस द मॉडिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। देखो यहां पर बोल रहा है द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑडिटर को उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड नहीं दिख रहा है तो उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा चीज़, द एरर इज करेक्टेड इन केस ऑफ मॉडिफाइड प्रोसीजर, और अगर कोई एरर मिला और उसे करेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, ठीक है, तो उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, नहीं की गई तो उसे भी दिखा दिया जाएगा, बट यहाँ पर बोला जा रहा है ऑडिटर कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रॉड, ऑडिटर एक कन्फर्मेशन देगा कि हाँ फ्रॉड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और ये बात आपको ध्यान रखने वाली है इस केस में कि फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को दिखाना है, ठीक है। आगे देखो, इन केस ऑफ फ्रॉड द सेम शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहां लिखी है वो बात, ठीक है, मैंने ये केस को एनालाइज किया था इसलिए मैं आपको बता रहा था कि डिस्क्लोज होना चाहिए कहां, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, अगर डिस्क्लोजर नहीं है, देयर शुड बी सुटेबल डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर वन था। केस स्टडी टू आपका बोल रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड अ फ्रॉड वॉज डिटेक्टेड एट द ऑफिस ऑफ द ऑडिटी, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अलीज दैट देयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर। देखो एक कंपनी ऑडिट करने के ABC लिमिटेड का ऑडिट खत्म होने के बाद, फ्रॉड मिल गया बहुत बड़ा, कंपनी क्लेम की ऑडिटर की गलती, ऑडिटर को ढूंढ के लाना चाहिए था, कंपनी ने क्लेम किया ऑडिटर की गलती, तो ऑडिटर के पास गए लोग, CBI वाले गए होंगे, पूछे सर कंपनी बोल रही है आपकी गलती है, आप हमको बताओ आपकी एक्सप्लेनेशन, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। तो उसने बोला भाई मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऑडिट SA+ लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है, मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किया है प्लस लॉ एंड रेगुलेशन। बोले प्रूफ दिखाओ, ठीक है। तो उसने क्या दिखा दिया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ था कि हाँ एज़ पर ऐसे हुआ है, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ है, ऑडिटर क्लियर हो गया कि ऑडिटर की गलती यहाँ पर नहीं है। कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ाना चाहूँगा। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द ऑडिटर हैज एडहर्स टू द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द एडिक्वेंसी ऑफ द प्रोसीजर अंडरटेकिंग इन द सर्कमस्टेंसेज एंड द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। देखो कैसे पता चलेगा, जो ऑडिटर की जो जजमेंट्स थी, ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे उस सर्कमस्टेंसेस पे, उसके बेसिस पे पता चलेगा। और वो प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क विथ रिक्विजाइट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, ठीक है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर, प्लस डिटेल्स ऑफ ऑडिट प्लान, प्लस
रिलायंस प्लेस ऑन इंटरनल कंट्रोल प्लस नेचर एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव टेस्ट कैरिड आउट, ये सारी चीज़ें ऑडिटर दिखा देगा अपने रिपोर्ट के अंदर, वो जनरली दिखाता है ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर दिखा देगा, ठीक है। और देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एग्जिस्ट ओनली वेन सच फेलियर इज क्लियरली ड्यू टू नॉट एक्सरसाइजिंग रीजनेबल स्किल एंड केयर। सीधा सीधा बोल रहे हैं, ऑडिटर को हम उसी समय ब्लेम करेंगे कि आपकी गलती है जब हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ऑडिटर ने रीजनेबल केयर और स्किल का यूज़ करते हुए ऑडिट नहीं किया है, ऑडिटर कैजुअल अप्रोच लिया था ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिटर की गलती मान ली जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ का प्रूफ को कैसे दिखाएगा, इफ़ द ऑडिटर कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन डेट ही हैज़ फॉलोड एडिक्वेट प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, हम चेक करेंगे कि उसने एज पर लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिट किया है, उसने रीजनेबल एंड ड्यू केयर ऑडिट के टाइम में एक्सरसाइज किया, उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया, ये सारी चीज़ें हमको दिखेगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, तो हम कंपनी को जाके पकड़ेंगे, हम बोलेंगे ऑडिटर की कोई गलती नहीं महाराज, तुम ही हो फ्रॉड के जिम्मेदार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी थी ऐसे 240 के अंदर, ठीक है, ऐसे 240 जो हमने इसमें कवर की, ठीक है। तो हमने रिस्क एंड आईसी से कुछ टॉपिक्स कवर किए यहाँ पर, और उसके बाद हमको चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी में जाना है वापस से, ठीक है। वापस से क्या, यहीं से हमको चालू करना था अपना कार्यक्रम, ऑडिट स्ट्रैटेजी चैप्टर, ये देखो ये चैप्टर हमको स्टार्ट करना है। रिस्क आईसी इंटरनल कंट्रोल हमने किया है, ठीक है, ये हम लोग आगे रिस्क का पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा हुआ है रिस्क का, ठीक है, मतलब इस चैप्टर का नहीं, जो टॉपिक मेरे को पढ़ाना था रिस्क उसका, ये इतना ही पोर्शन बचा है। एक्चुअल में इसमें प्रोसीजर के बारे में आपको बताया है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नाउ। देखो, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो वो हमको पढ़ना है इस वीडियो में। देखो, द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर विद इन द एंटिटी हु इज ऑडिटर्स जजमेंट मे हैव इंफॉर्मेशन डेट इज लाइकली टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सबसे पहला चीज़ होगा इंक्वायरी, किससे, मैनेजमेंट या फिर कोई और पर्सन से, कौन से पर्सन से, जिस पर्सन से ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ऑडिट करने के लिए, उसको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ऑडिट करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन उसको उस पर्टिकुलर इंसान से मिल सकती है। एक्स वाई जेड लिमिटेड का जनरल मैनेजर है ए, उसको लग रहा है ए से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो बोलेगा ए से मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उस पर्सन से वो लेगा इन्फॉर्मेशन जिससे पता लगा सके पॉसिबल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। दूसरा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो रैप के अंदर आता है, और तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन आता है, ठीक है। तो देखो, अब आप एक चीज़ आप बोलोगे सर आपने तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लिखवाया है, और आप यहाँ बोल रहे हो रैप के अंदर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर, दो दो बात करो, नहीं बेटा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का ही एक पार्ट है, उसी के साथ इंक्लाइंड होकर चलता है, इसलिए मैंने वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे फ्लो चार्ट बनवाया है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे का मॉड्यूल जो है वो कॉपी पेस्ट करता है स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को, तो इसीलिए, पर वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए था, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रैप, बट उसी को हम फर्दर बोलते हैं, फर्दर रैप के साथ में फर्दर, ठीक है। तो पहले इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इंक्वायरी इज ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, ऑडिटर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और उन पर्सन से निकलती है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, FR के लिए, ठीक है। हाउएवर द ऑडिटर में ऑल्सो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू इंक्वायरी ऑफ अदर विद इन द एंटिटी, चाहे वो इंप्लॉय हो और डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी के लोगों, किसी को भी रैंडमली पकड़ के ऑडिटर और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, जैसे बेटा चल चाय पी के आए, है ना, चाय पीते इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया, ठीक है, तो उसकी मर्जी, ऑडिटर चाहे तो निकलवा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे कि देखो, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी बैठाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए टॉप लेवल मैनेजर से इंक्वायरी, दोस्त चार्ज बिल गवर्नेंस से इंक्वायरी बैठाएगा, वो इंक्वायरी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से वो किस टाइप की इंक्वायरी बैठा सकता है, आईसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा, इंटरनल कंट्रोल कैसे वर्क कर रहे हैं, डिज़ाइन कैसे, इंप्लीमेंट कैसे, मेंटेन कैसे, वो इम्प्लॉय से इंक्वायरी बैठाएगा, इंप्लॉय से वो किस बारे में पूछ सकता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग कैसे फॉलो होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर फर्म में काम करने का तरीका, प्रोसीजर, मैनेजर का एटीट्यूड, बिहेवियर,
ठीक है बेटा, मैनेजर कौन, मैनेजर आपको लगता है घपला खोर है कौन, आपकी सैलरी कटौती, ये सारी चीज़ें मतलब वो निकलवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो कुछ कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं इन हाउस लीगल काउंसिल से, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएंगी, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बोला आप ऐसे 520 के अंदर पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पर यहाँ पर एक छोटा सा दिया हुआ है डेफिनेशन एनालिटिकल प्रोसीजर का, तो ये हम देख लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मे आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी ऑफ विच द ऑडिटर वॉज अनअवेयर एंड मे असिस्ट इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस रिस्क। बोल रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम रोमम का पता लगा पाएं, ताकि हम प्लानिंग कर पाएं कि आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, एक स्कोप डिफाइन कर पाए। अगर ज़्यादा रिस्क मिला तो स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क कम मिला तो कम। तो एनालिटिकल प्रोसीजर हमको बेसिकली रिस्क पता करने में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मे इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तो ऑडिटर घूमता है ऑर्गेनाइजेशन में, घूम घूम के ढूंढता है चीज़ों को, एम्प्लॉय पकड़ लेगा, बोलेगा क्या हालचाल, सब मस्त मौज बहार, बताएगा नहीं ऑडिटर, इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। ठीक है, ये वो इधर उधर की बात करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा कि मैं आने वाला हूँ इधर, ऐसा वैसा, ये वो, बताओ क्या सीन है इधर का, ये सारी चीज़ें। तो वही है, एनालिटिकल प्रोसीजर मे हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इवेंट्स और अमाउंट्स रेशियो स्ट्रेंथ दैट माई हैव इंडिकेट दैट मैटर हैव ऑडिट इम्प्लीकेशन अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दैट आइडेंटिफाई मैसेज द ऑडिटर आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मेंटल मिस्टेक। देखो एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना वो ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है। मैं कब से बोल रहा था इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर रेशियो का करंट ईयर रेशियो, और देखते हैं अगर कोई बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है 20-50%, ठीक है 30% का डिफरेंस, 20% डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो अनयूजुअल है ना, इतना बड़ा डिफरेंस। जैसे मान लो पिछले 10 साल से देख रहे थे 1% आधा परसेंट का इंक्रीज हो रहा था, एक साल अचानक से 25% इंक्रीज, अनयूजुअल, टोटली अनयूजुअल। तो उन अनयूजुअल चीज़ों को पकड़ने के लिए, अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस को पकड़ने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज़ होता है। और बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर से हमको फ्रॉड का पता चलता है, फ्रॉड का, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट फ्रॉड ही हो सकता है। हाउएवर वेन सच एनालिटिकल प्रोसीजर यूज डेटा एग्रीगेटेड एट हाई लेवल विच मे बी इन सिचुएशन विद एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर द रिजल्ट ऑफ दोज एनालिटिकल प्रोसीजर ओनली प्रोवाइड अ ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन अबाउट वेदर अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट। अब देखो एनालिटिकल प्रोसीजर में ट्रेंड एनालिसिस करके पता तो चल गया 25% का घपला है, पर 25% का घपला कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये तो नहीं पता चला ना। ये पता चल गया कि कुछ फ्रॉड तो है, 25% है मतलब कुछ तो फ्रॉड है पक्का, पर क्या फ्रॉड है, कहाँ है, कैसे, वो नहीं पता चला। तो ये एक सिर्फ ग्रॉस आइडिया देता है कि हाँ फ्रॉड है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कहाँ वो नहीं पता। अकॉर्डिंगली इन सच केसेस कंसिडरेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन डेट बीन गैदर्ड वाइल आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ सच एनालिटिकल प्रोसीजर मे असिस्ट द ऑडिटर। देखो तो ऐसे टाइम पे जो हमने बाकी एविडेंस, जो बाकी प्रोसीजर्स, जो अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से बाकी जो अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाले हैं, ठीक है, जो बाकी आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों को अगर हम साथ में यूज़ करें स्टैंडर्ड एनालिसिस के, कि ये मिसस्टेटमेंट हमको मिला है 10-15 लाख का मिसस्टेटमेंट, 25% का ट्रेंड, 10-15 लाख का घपला है, इसको इससे मिला के देखो तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, फिर और कुछ मिल गया उसको मिला के देखो थोड़ा सा, तो ऐसे कर करके पता चल जाता है कि फ्रॉड कहाँ, कैसे, कब, क्यों और कौन किया है। ठीक है, सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस से ये पता चलता है फ्रॉड हुआ है कि नहीं, हाँ अगर बड़ा ट्रेंड है तो फ्रॉड हुआ है, तो ये चीज़ होती है। थर्ड है आपको ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन में सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन मतलब सिंपली खड़े होकर चेक करना, ऑब्जर्व करना, कंट्रोल्स काम कर रहे कि नहीं, तरीका क्या है काम करने का, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, ये ऑब्जर्वेशन होता है। इंस्पेक्शन मतलब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नॉर्मल है, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में बुक्स ऑफ अकाउंट तो देखेंगे, बिल्स, वाउचर्स, वेरिफिकेशंस, इनवॉइस, एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, खंगालना, ये इंस्पेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए, देखो डॉक्यूमेंट्स सच एज बिजनेस प्लान, स्ट्रैटेजी, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके देखो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और TCWG कोई रिपोर्ट बनाती है, वो सारी चीज़ें, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स,
मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स और एंटिटीज प्रीमाइस और क्लाइंट फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। देखो प्रीमाइसेज मतलब हो जाएगा यही, आईसी को ऑब्जर्व करना, खड़े होकर काम करने का तरीका देखना, बस खड़े होकर देखो काम करने का तरीका, कैसे काम कर रहे लोग, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, आपकी इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा रिस्क का पार्ट भी खत्म हो गया, जितना मेरे को इस चैप्टर से अभी पढ़ाना था फिलहाल के लिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, विच इज़ नथिंग बट योर ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। और यहाँ पर जब आपको टर्म्स मिलेंगे वो आपको रिलेट करते बनेगा, क्योंकि आप पढ़ लिए हो इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो वीडियो को, और इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, प्लीज़ लोगों की हेल्प करो। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उन लोगों की हेल्प करो जिन लोगों को इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी कलीग्स हैं जिनको ऑडिट नहीं पढ़ पाए होंगे, क्लास मिस हो गई होगी, अपने टीचर से उनको नहीं समझ में आएगा, उनके साथ आप उसको शेयर करो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।